सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन। अभी अभी खबर आ रही है कि दिल्ली पुलिस ने अपना पुलिस का लोगो बदल दिया है। पहले लोगो में सम्राट अशोक स्तंभ स्थापित था, जो दिल्ली पुलिस के प्रत्येक कंधे पर विराजमान होता था। उसकी जगह इन्होंने अंग्रेजों के द्वारा 1921 में स्थापित और 1931 में राष्ट्र को समर्पित इंडिया गेट का फोटो लगाया है। मैं सवाल उठा रहा हूं, इंडिया गेट दिल्ली की पहचान हो सकता है, लेकिन सम्राट अशोक स्तंभ पूरे भारत की पहचान है, विश्व में उसका मान सम्मान है। उसी तरह से जब भारत की करेंसी से इन सामंती लोगों ने, छोटी सोच के लोगों ने, जब अशोक स्तंभ को हटाकर गांधी जी को स्थापित किया था, वह भी भारत का अपमान किया था। अशोक स्तंभ को हटाना और इंडिया गेट को लगाना, ये भारत का सम्मान है, भारत की संस्कृति और सभ्यता का सम्मान है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सम्राट अशोक से भारत की पहचान है। अंग्रेजों ने जिस स्थान को बनाया, अंग्रेजों ने जिस इंडिया गेट को बनाया, उसको उस स्थान पर रखना, ये भारत की अस्मिता, भारत के सम्मान के साथ खिलवाड़ है। मैं अपील करता हूं अमित शाह जी से, क्योंकि वो दिल्ली पुलिस के मालिक हैं, और मैं अपील करता हूं आदरणीय अस्थाना जी से, जो दिल्ली प्रमुख हैं, जिन्होंने ये लोगो बदला है, मैं उसका विरोध करता हूं। और मैं अकेला नहीं, इस पूरे भारत में जो भी राष्ट्रभक्त हैं, जो भारत को सम्मान देने वाले हैं, जिन्होंने अशोक के शासन को जाना है, परखा है, अशोक स्तंभ हाई कोर्ट पर है, सुप्रीम कोर्ट पर है, प्रत्येक नोट पर है। ऐसी कोई जगह नहीं है राष्ट्रीय लेवल पर जहां अशोक स्तंभ नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये निर्णय वापस करें, लोगों फिर पुनः वही स्थापित किया जाए जिससे भारत का सम्मान बचा रहे। ये अंग्रेजों के द्वारा स्थापित इंडिया गेट को लोगों में स्थान दे करके आप भारत का अपमान कर रहे हैं, भारत की गरिमा और भारत की संस्कृति का अपमान कर रहे हैं। इस पर विचार किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।